Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum to all my viewers and students. Students, हम लोगों ने अपनी drug interactions की series start की हुई थी, जिसमें हम लोगों ने two parts पढ़ लिए हैं, जिसमें हम लोगों ने pharmacokinetics interaction पढ़ा है. अब हम पढ़ने जा रहे हैं pharmacodynamic interactions. तो pharmacodynamic interactions में आ जाते हैं आपके पास antagonism, additive या synergistic response जिसमें आपका create होता है, या फिर increase हो जाती है receptor sensitivity या toxicity. तो antagonism आपको पता है कि कब होता है, जब एक agonist होता है और उससे, यानी कि एक जो natural agonist होता है, जो naturally bind करता है किसी receptor के साथ, और एक ऐसा जो है सब्सटेंस अटैच होता है उस रिसेप्टर्स के साथ जो कि उसके इफेक्ट को जो है वो या तो ब्लॉक कर देता है या फिर उसकी बाइंडिंग को ब्लॉक करता है. रिसेप्टर्स और उनकी टाइप्स और एंटागोनिज्म, एंटागोनिज्म हम लोगों ने फार्माकोडायनामिक्स जब हम लोगों ने अपनी लेक्चर पढ़ा था तो मैंने आपको सारा डिटेल से बताया था कि एगोनिस्ट क्या होता है, इनवर्स एगोनिस्ट क्या होता है और एंटागोनिस्ट क्या होता है. ठीक है, तो हम लोगों ने उस वक्त ये सब पढ़ लिया था. मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूंगी. अभी हम लोग जस्ट ये पढ़ने जा रहे हैं कि कौन से ड्रग्स हैं जो एंटागोनिस्ट होते हैं दूसरे ड्रग का, या फिर उनका एक्शन जो है वो एंटागोनिज्म में होता है, मतलब ऑपोजिट एक्शन क्रिएट करते हैं. जैसे अगर एंटी हाइपरटेंसिव कोई मेडिकेशन है, साथ आप लोगों ने कोई ऐसी मेडिकेशन दे दी जो कि ब्लड प्रेशर बढ़ा आ रही है, तो उसका जो एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन का जो इफेक्ट है वो कम हो जाएगा. जैसे अब एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट ऑफ द बीटा ब्लॉकर्स, बीटा ब्लॉकर्स किस लिए यूज होते हैं, हाइपरटेंशन के लिए. अगर आप लोग को एडमिनिस्ट्रेशन करवा रहे हो विद द वैसोप्रेसर या वैसोकंस्ट्रिक्टर के साथ, जैसे फिनाइलएफ्रिन या नोरएपिनेफ्रिन या एपिनेफ्रिन के साथ एडमिनिस्ट्रेशन हो रही है उसकी, तो क्या होगा कि जो बीटा ब्लॉकर का जो इफेक्ट है वो कम हो जाएगा. ठीक है ना, वो अपना इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे और जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है ये एड्रेनर्जिक है और एड्रेनर्जिक किसके अंदर आता है, सिंपैथेटिक सिस्टम के अंदर आता है. और सिंपैथेटिक सिस्टम में आपका हार्ट रेट, आपका ब्लड प्रेशर, फाइट फ्लाइट रिस्पांस के अकॉर्डिंग आपका सब कुछ बढ़ता है. ठीक है ना, हार्ट रेट हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, ये चीज़ें बढ़ती हैं, तो इसका इफेक्ट जो है वो फिर ख़त्म हो जाएगा, या इफेक्ट बीटा ब्लॉकर्स का जो इफेक्ट है वो कम हो जाएगा. मतलब ये दोनों एक दूसरे के एंटागोनिज्म में ही काम करेंगे. फिर आ जाता है नेलगजॉन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एमसीक्यूज में अक्सर पूछा जाता है कि नेलगजॉन का, नेलगजॉन किसका एंटीडॉट है, या इन दोनों एंटागोनिज्म किस में जो है एग्जिस्ट करता है. नेलगजॉन और ओपियोड्स में जो है एंटागोनिज्म एग्जिस्ट करता है. फिर बेंजोडाइजेपिन एंड फ्लुमाजेनिल आ जाता है. वाइटामिन के साथ वारफेरिन आ जाता है. फिर लेवोडोपा एंड एंटीसाइकोटिक, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि जो साइकोसिस में अक्सर होता है या साइकेट्रिक कंडीशन जैसे स्किज़ोफ्रेनिया, इसमें अक्सर होता है कि डोपामाइन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. सो फिर एंटीसाइकोटिक्स दिए जाते हैं ताकि डोपामाइन का लेवल जो है वो कम हो. अब लिवोडोपा किस लिए दिया जाता है, वो पार्किंसन सिंड्रोम में दिया जाता है, ताकि पार्किंसन सिंड्रोम में क्या होता है कि डोपामाइन का लेवल कम हुआ होता है. सो ऑब्वियसली लिवोडोपा दिया जा रहा है किस लिए, ताकि डोपामाइन बढ़े. और एंटीसाइकोटिक्स किस लिए दिए जा रहे हैं, ताकि डोपामाइन कम हो. ठीक है, ब्लॉक के जो है ना, ये ब्लॉकेड इफेक्ट शो करे. सो दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्ट हुए. फिर उसके बाद आ जाता है पेंटाजोकेन प्लस नेलट्रिक्सोन. पेंटाजोकेन ओपियोड है प्लस नेलट्रिक्सोन, जो कि इसका ओपियोड जैसे नेलगजोन है, इसी तरह ये भी नेलट्रिक्सोन भी एंटागोनिस्ट है. इन दोनों का एक कम्बिनेशन प्रोडक्ट आता है, टेलविन एनएक्स कम्बिनेशन प्रोडक्ट है. ये क्यों, ये दोनों एंटागोनिस्ट और एगोनिस्ट जो है वो साथ दिए जाते हैं, ताकि इसका अब्यूजिव पोटेंशियल जो है वो कम किया जा सके. ठीक है, एंड टू डिक्रीज द अब्यूजिव पोटेंशियल, क्योंकि ओपियोड है, ओपियोड के साथ अब्यूजिव पोटेंशियल के चांसेस होते हैं. ठीक है, और वैसे इसको, इस मेडिकेशन को लिया क्यों जाता है, इनको कम करने के लिए. ठीक हो गया, उसके बाद आ जाता है एडिटिव या सिनर्जिस्टिक रिस्पांस, जो साथ में जो है मतलब रिस्पांस बढ़ जाता है, एडिशन हो जाती है. ठीक है ना, या फिर सिनर्जिज्म हो जाता है. इसमें आ जाता है आपके पास एनसिड्स आ जाते हैं प्लस एंटीकोएगुलेंट. एनसिड्स भी आपको पता है कि ब्लड थिनर होते हैं कुछ, जैसे एस्पिरिन खासतौर पे, इसके अलावा जो है ये ब्लीडिंग का भी रिस्क इंक्रीज कर सकते हैं. सो एनसिड्स आ जाते हैं एंड एंटीकोएगुलेंट्स आ जाते हैं, जो कि इंक्रीज करते हैं रिस्क ऑफ ब्लीडिंग. एंटीकोएगुलेंट वैसे ही ब्लीडिंग वो क्लॉट नहीं फॉर्मेशन होने देते. उसके बाद आ जाता है ACIs, यानी कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर प्लस पोटेशियम स्पिरिन डायूरेटिक्स. अगर ACI पहले ही हाइपरकैलेमिया कॉज करते हैं, अगर आप साथ पोटेशियम स्पिरिन डायूरेटिक्स भी दे दोगे, तो फिर क्या होता है, हाइपरकैलेमिया आ जाता है. ACIs के साथ जो है पोटेशियम स्पेरिंग ना तो डायूरेटिक देते हैं, ना ही कोई पोटेशियम सप्लीमेंटेशन दी जाती है, क्योंकि इसमें ये पहले ही हाइपरकैलेमिया कॉज कर रहा होता है. उसके बाद आ जाता है वीरापैमिल प्लस बीटा एंटागोनिस्ट, या बीटा ब्लॉकर्स आप कह सकते हैं. तो ये दोनों ही जो है ये क्या काम कर रहे होते हैं, ये ब्रैडीकार्डिया कॉज करते हैं, क्योंकि दोनों ही वीरापैमिल भी क्या है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, और बीटा ब्लॉकर्स जो है वो वैसे ही ब्लॉकर्स हैं. तो ये दोनों जो है ये ब्लॉकेज कॉज करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, मतलब अपने अपने रिसेप्टर्स की जो क्या वीरापैमिल है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, तो क्या कॉज हो जाता है, जब दोनों साथ लिए जाएँ तो बहुत ज़्यादा ब्रैडीकार्डिया होने के चांसेस होते हैं. फिर उसके बाद आ जाता है न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स. न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स के साथ जो है अमाइनोग्लाइकोसाइड नहीं दिया जाता, क्योंकि ये ब्लॉकेट को बढ़ा देता है. उसके बाद आ जाता है
प्राइमोजिड एंड सोटालॉल. सोटालॉल ये दोनों अगर साथ दिए जाएँ तो जो क्यूटी इंटरवल होता है ये बढ़ जाता है. फिर उसके बाद आ जाता है क्लोजापाइन एंड कोट्रीमोक्साजोल. क्लोजापाइन एंड कोट्रीमोक्साजोल ये दोनों ही क्या करते हैं, बोन मैरो सप्रेशन कॉज करते हैं. दिस इज वेरी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. फिर ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि अल्कोहल को बेंजोडाइजेपिन के साथ नहीं दिया जाता. क्यों नहीं दिया जाता, क्योंकि सेडेशन के चांसेस को बढ़ा देते हैं. उसके बाद आ जाता है कुछ ऐसे इफेक्ट होते हैं फार्माकोडायनामिक इंटरेक्शन में जिसमें क्या होता है कि रिसेप्टर सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. मतलब रिसेप्टर्स जो हैं उससे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं कि अगर थोड़ी सी अमाउंट भी अगर उसमें मौजूद हो तो वो बहुत ज़्यादा उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, या थोड़ा सा भी चेंज आए तो उसको बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्ड करते हैं, या समटाइम टॉक्सिसिटी हो जाती है. जैसे डिक्रीज पोटेशियम ड्यू टू द थायराइड डायूरेटिक. अब थायराइड डायूरेटिक से करते हैं पोटेशियम लॉस कॉज करते हैं. हार्ट सेंसिटाइजेशन टू द डाइजोक्सिन थेरेपी. अब डाइजोक्सिन ने क्या करना होता है कि पोटेशियम सोडियम पोटेशियम जो होता है एटीपेज ब्लॉकर होता है ये जो डाइजोक्सिन है, इसकी वजह से क्या होता है सेल के अंदर जो पोटेशियम लेवल है वो कम हो जाता है. अब कुछ कमी जो है वो थायराइड डायूरेटिक्स के इस्तेमाल से आ गई भी थी, ठीक है. अब जब डाइजोक्सिन ने कम किया सेल के अंदर पोटेशियम चैनल पोटेशियम का लेवल तो वो बहुत ज़्यादा एग्जैजुरेटेड रिस्पॉन्स हुआ, क्योंकि बॉडी पहले ही डेफिशिएंट थी पोटेशियम के लेवल में, ठीक हो गया. सो ये क्या होता है कि एग्जैजुरेटेड रिस्पॉन्स होते हैं, हार्ट बहुत ज़्यादा सेंसिटाइज हो जाता है टू द डाइजोक्सिन थेरेपी. इसके अलावा डिक्रीज सोडियम ड्यू टू द डायूरेटिक तो कॉज क्या करता है, लिथियम टॉक्सिसिटी कॉज करता है, ठीक हो गया. सो ये हमारे पास थे फार्माकोडायनामिक इंटरेक्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत मेन इंपॉर्टेंट है. ये आपके जो है वो लिए गए हैं CPR से, ठीक है. ये उसका क्विक रिव्यू है कि इन MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन से थे. अब हम चलते हैं इफेक्ट ऑफ द फूड, ठीक है ना, आपके फूड का क्या इफेक्ट पड़ता है ऑन द ड्रग की जो है एब्जॉर्प्शन पे या उसकी डायनामिक्स पे या काइनेटिक्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है उसका. अगर हम लोग देखें फूड ड्रग इंटरेक्शन में तो सबसे ज़्यादा जो ड्रग्स जो फूड से इफेक्ट होते हैं वो कौन से होते हैं, जो कि फॉर्मुलेट हुए होते हैं डिलेड एक्सटेंडेड सस्टेंड इंटेरिकोटेड या फिर मतलब इंटेरिकोटेड फॉर्म में, यानी कि जो डिज़ाइंड है कि थोड़ा सा लेट जो है वो अपना इफेक्ट शो करेंगे या ड्रग रिलीज करेंगे, ठीक हो गया. तो ये सबसे ज़्यादा इफेक्ट होते हैं जो फूड ड्रग इंटरेक्शन में, जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होने वाले ड्रग हैं वो जो इस फॉर्म में जो है वो फॉर्मुलेट होते हैं. जो इमीडिएट रिलीज है वो इतनी इफेक्ट नहीं होती जितनी ये सारे डिलेड और एक्सटेंडेड इफेक्ट होते हैं. फिर उसके बाद आ जाता है, अब हम लोग पढ़ते हैं कि कौन किस किस तरह से जो है वो इफेक्ट शो हो रहा है. एब्जॉर्प्शन ऑफ द लिपिड सोलेबल ड्रग्स, जो लिपिड सोलेबल ड्रग्स की एब्जॉर्प्शन जो है वो इंक्रीज हो जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ द फैटी फूड, ठीक है ना. जो ऑलरेडी लिपिड सोलेबल है आपने ऊपर से कोई फैटी फूड ले लिया है तो क्या हो गया कि उसकी एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगी. लेकिन तो वाटर सोलेबल ड्रग की जो एब्जॉर्प्शन है फैटी फूड के साथ जो है वो कम हो जाएगी, ठीक हो गया. उसके बाद ये वही इंटरेक्शन आ जाता है दोबारा जो हम लोगों ने फार्माकोकाइनेटिक इंटरेक्शन में पढ़ा था कि फ्लोरोक्विनोलोन एंड टेट्रासाइक्लिन की एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ द मिल्क एंड अदर डेयरी प्रोडक्ट एंड केटायंस वगैरह की प्रेसेस में. क्यों, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स और चिलेट फॉर्म करते हैं जिसकी वजह से ना तो एब्जॉर्प्शन होती है और बायो अवेलेबिलिटी भी कम होती है. उसके बाद आ जाती है आइबेंड्रोनेट. ये आइबेंड्रोनेट यूज़ होती है फॉर द ऑस्टियोपोरोसिस के लिए, ठीक है ना. इसको आप लोग खाने के साथ लोगे तो इसकी एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी. सो यहाँ पर फार्मासिस्ट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि आप लोग काउंसलिंग करें लोगों की कि अगर कोई फ्लोरोक्विनोलोन्स ले रहा है, वो अक्सर लोगों को होते हैं दूध के साथ दवाई लेते हैं, ठीक है. तो आप लोगों ने उनको बताना है कि फ्लोरोक्विनोलोन्स अगर ले रहे हैं तो उनको दूध के साथ नहीं लेना. आइबेंड्रोनेट अगर लिया जा रहा है तो उसको आप लोगों ने खाने के साथ नहीं लेना, ठीक हो गया ना. तो इस तरह की आप लोगों ने काउंसलिंग करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है. इसी से आपका जो रोल है वो आगे जो है इम्प्रूव होगा और आपकी पोजीशन एज अ फार्मासिस्ट जो है वो इंक्रीज होगी. उसके बाद आ जाते हैं फ्लोरोक्विनोलोन्स एंड फेनिटोन इन द ये एड्जॉर्ब कर जाते हैं कैल्शियम एंड आयरन के साथ फीडिंग ट्यूब्स के साथ. अगर फीडिंग ट्यूब जिनको लगी होती है उनके जरिए अगर किसी को दिया जा रहा है और वहाँ पर मतलब फीडिंग ट्यूब में कोई इस तरह से मौजूद था कैल्शियम या आयरन मौजूद था, क्योंकि खाने की ट्यूब लगी होती है उधर से दवाइयाँ जाती है उधर से खाना, तो अगर उधर मौजूद हो कैल्शियम या आयरन तो ये फ्लोरोक्विनोलोन एंड फेनिटोन उसके ऊपर एड्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक हो गया. तो ये इंटरेक्शन इंपॉर्टेंट है. इसके अलावा ग्रेप फ्रूट आ जाती है एंड वेलेंशिया ऑरेंज जूस आ जाते हैं. दीज आर द इनहिबिटर ऑफ द साइटोक्रोम 3A4 आइसोएंजाइम्स के इनहिबिटर हैं. जो एंजाइम का इनहिबिटर होता है ना वो ड्रग का लेवल इंक्रीज करता है. सो दैट्स वाई ये इंक्रीज करते हैं लेवल ऑफ द कैल्शियम चैनल ब्लॉकर प्रोटीएज इनहिबिटर स्टैटिन्स कार्बामेसिपाइन एंड मेडाजोलैम, ठीक है ना. तो इनका ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये साइटोक्रोम मैंने आपको बताया लास्ट टाइम भी मैंने आपको कहा था कि ट्रिक है साइटोक्रोम 3A4 इनहिबिटर्स और इंड्यूसर्स को याद करने की. मैंने वीडियो बनाई है 5 मिनट्स की है, आप लोग उसको जरूर देखें और वो ट्रिक्स से आपके जहन में सारा बैठेगा कि कौन कौन से जो ड्रग्स हैं वो इनहिबिटर हैं कौन से इंड्यूसर्स हैं. उसके बाद आ जाता है स्पेनिश एंड ब्रोकली. ये रिच होते हैं विटामिन के में तो ये वारफरिन इफेक्ट को कम करते हैं.
MCQs पूछा जाता है कि किसी पर्सन को जो है एंटी कोएगुलेंट थेरेपी या वारफेरिन थेरेपी दी जा रही है, आप लोगों ने कौन सी उसको वेजिटेबल उसको आप मना करोगे कि ये मत खाओ क्योंकि उससे इसका इफेक्ट कम हो सकता है वारफेरिन का। सो वो डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं और उसमें आप लोगों ने कौन सा सेलेक्ट करना होता है जो कि रिच होता है विटामिन के में, और उसकी एग्जांपल क्या है, स्पैनिश एंड ब्रोकली। उसके बाद आ जाता है गार्लिक। गार्लिक का एडिटिव इफेक्ट होता है इन कम्बिनेशन विद द वारफेरिन, हेपारिन एंड लो मोलिकुलर वेट हेपारिन के साथ, ठीक है। सो ये मतलब क्या हुआ कि ये ब्लड थिनर है एक तरह का। फिर टायरामाइन कंटेनिंग फूड, मैंने आपको पहले ही बताया कि टायरामाइन कंटेनिंग फूड जैसे एज चीज़, पुरानी कोई चीज़ पड़ी हुई है, इसके अलावा मीट हो गया, चिकन लिवर हो गया, पिकल्ड और स्मोक्ड फिश या रेड वाइन्स, इनमें टायरामाइन बहुत ज़्यादा मतलब मौजूद होता है, टायरामाइन कंटेनिंग फूड है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका एड्रेनर्जिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। और मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स अगर किसी को दिया, और एड्रेनर्जिक जो आपके जो न्यूरोट्रांसमीटर है एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन, इनको कौन जो है मेटाबोलाइज कर रहा होता है, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज। सो मोनोअमाइन ऑक्सीडेज अगर इनहिबिटर दिया हो तो इनका लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन का, जिसकी वजह से आपका सिंपथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और ब्लड प्रेशर का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना और जो भी हाइपरटेंशन क्राइसिस होते हैं वो सारा स्टार्ट हो जाते हैं। सो टायरामाइन एंड मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर नहीं देते। फिर मैंगोज, ऑरेंजेस, बनानास एंड डेट्स आर रिच इन द पोटेशियम एंड मे कॉज हाइपरकैलेमिया इन द पेशेंट विद द ACE इनहिबिटर्स। मैंने आपको पहले बताया कि जिनको ACE इनहिबिटर्स दिए जा रहे होते हैं वो पहले ही जो उनको मना होते हैं क्या, ऐसे ड्रग्स जो कि पोटेशियम लेवल इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा पोटेशियम सप्लीमेंटेशन भी नहीं दी जाती है। लोग कहते हैं कि हम पोटेशियम सप्लीमेंटेशन नहीं ले रहे, हम लोग ये फ्रूट्स खाते हैं, ठीक है ना। तो उससे भी क्या होता है कि पोटेशियम लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, जैसे डेट्स में बहुत ज़्यादा होता है, ऑरेंजेस, बनानास एंड मैंगोज में, ठीक है ना। तो ये सारी बातें आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ पर आपके काउंसलिंग के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं कि किस तरह से आप लोगों ने पेशेंट को काउंसल करना है वाइल गिविंग द मेडिकेशन, वाइल डिस्पेंसिंग द मेडिकेशन, कि क्या चीज़ खानी है और क्या चीज़ आपने नहीं खानी। फिर बायोअवेलेबिलिटी पे इफेक्ट देख लेते हैं कि बायोअवेलेबिलिटी का क्या इफेक्ट पड़ता है, बायोअवेलेबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है खाने और ड्रग के। उसके बाद आ जाता है इफेक्ट ऑफ द फूड ऑन द बायोअवेलेबिलिटी, किन ड्रग्स की बायोअवेलेबिलिटी कम होती है और किन की ज़्यादा होती है वो देख लेते हैं, और कौन कौन है जो बिल्कुल अफेक्ट नहीं होते। जिनकी रिड्यूस होती है और डिले होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं जो बहुत ज़्यादा लिए जाते हैं, जैसे एनसिड्स हैं, खासतौर पर नेप्रोक्सिन, एस्पारिन, एसिटामिनोफिन यानी पैरासिटामोल, फिर एंटीबायोटिक्स में टेट्रासाइक्लिन एंड पेनिसिलिन एंड एथानॉल, इनकी एब्जॉर्प्शन कम होती है और ये इतना ज़्यादा प्रैक्टिस में ये यूज़ होते हैं और लोग खाने के बाद इसको लेते हैं इन मेडिकेशन को। नेप्रोक्सिन तो खैर एनसिड्स का ये होता है कि ये अल्सर कॉजिंग होते हैं, इस वजह से इनको प्रेफर किया जाता है कि खाने के साथ ले लिया जाए ताकि अल्सर ना हो, ठीक है ना। लेकिन वैसे इनकी जो है एब्जॉर्प्शन कम होती है, बायोअवेलेबिलिटी इनकी कम होती है। सो अवॉइड किया जाए, जो पर्सन फर्स्ट टाइम ले रहा है मतलब जो क्रॉनिक यूज़र नहीं है एनसेड का, तो वो उसको चाहिए कि वो खाने के बगैर ही ले या खाने से 2 घंटे बाद। एस्पारिन हो गया, एसिटामिनोफिन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग की काउंसलिंग पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। उसके बाद जिनकी एब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है उनमें आ जाता है ग्रीजियोफुलविन, मेटोप्रोलोल, फेनिटोइन, इसके अलावा आ जाता है आपके पास और भी मजीद बहुत ज़्यादा ड्रग्स आ जाते हैं, डाइमर डाइक्यूमेरोल आ जाता है, मॉर्फिन आ जाती है, ठीक है ना, एंड प्रोपॉक्सीफीन, ये भी इंपॉर्टेंट ड्रग है, ठीक है ना, मॉर्फिन आ जाता है। उसके बाद आ जाता है ऐसे ड्रग्स जो कि अफेक्ट नहीं होते फूड से, उनमें आ जाता है थियोफाइलिन एंड मेट्रोनिडाजोल। थियोफाइलिन अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपके जो है ये CNS स्टिमुलेंट में एज अ CNS स्टिमुलेंट के तौर पे काम करता है, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग है थियोफाइलिन, ठीक है। तो आपके ये चाय में भी मौजूद होता है, आपके कॉफ़ी में भी मौजूद होता है ये, ठीक है। तो इनकी अवेलेबिलिटी, इनकी बायोअवेलेबिलिटी इफेक्ट नहीं होती, आप खाने के साथ लो या खाने के बगैर लो कोई फ़र्क नहीं। आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट टाइम हम लोग जो है मजीद इसको पढ़ेंगे, इंटरेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियो के बारे में पता चल जाए और आपके जो है क्विक रिव्यू जो हमारा चल रहा है वो साथ साथ कंटिन्यू रहे, ताकि पेपर की जल्दी तैयारी हो सके, कंपटीशन एग्ज़ाम हो या इवन प्रॉफ एग्ज़ाम हो, वाइवा एग्ज़ाम हो, तो आपका जो है बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।